शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजारात विकण्यासाठी बराच खर्च करावा लागत असतो। शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर खर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्या खर्चावर मात करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुरजी मधील मोहम्मद जमीर, त्याचप्रमाणे मोहम्मद शमी चाचा आणि मोहम्मद जमील यांनी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेऊन तिघांनी मिळून या भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अंजनगाव खुर्जी येथे इकरा जिनिंग आणि प्रेसिंग फॅक्टरीची सुरुवात केली। 3 एकरावर पसरलेल्या या जिनिंग आणि प्रेसिंग कारखान्याचे उद्घाटन हे 24 नोव्हेंबर रोजी संपन्न झाले असून सरकारी नियमानुसार मंडीमध्ये शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाईल। या क्षेत्रात जिनिंग सुरू झाल्याने शेतकरी आनंदी झाले असून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार 3 मित्रांनी एकत्रितपणे हा जिनिंग फॅक्टरी सुरू केली असून जिनिंगच्या उद्घाटनाचा पहिला दिवस जिनिंग फॅक्टरीच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने शेतकरी 200 ते 250 सुती वाहने, त्याचप्रमाणे 2 ते 3 हजार शेतकरी आणि व्यापारी उपस्थित होते। याप्रसंगी अमरावतीचे सागर शेठ पमनानी, शेगावचे मनीष सेठ अग्रवाल, त्याचप्रमाणे ठाणेदार दीपक वानखेडे, अरुंदादा संगई, हाजी निसार सेठ, अकोला सहजाद, त्याचप्रमाणे अहमद कुरेशी, सातेगावचे अनवर शेठ, अमरावतीचे राजकुमार गोयल, त्याचप्रमाणे पंकज मोदी, प्रवीण नेमाडे, तालुक्यातील शेतकरी देखील यावेळी उपस्थित होते। सबसे पहले तो जमीर भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके और आपकी पूरी टीम को, और मैं एक ही शब्द में एक ही सेंटेंस में ख़त्म करूंगा, जीरो से हीरो कैसे बना जाए वो जमीर भाई ने करके दिखाया है। सबसे पहले दिन से बहुत अच्छा रहा है, और सबसे बड़ी बात वो बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं करते, पूरा काम कपास का दिल से करते और शुरू से, और हम आशा करते आगे भी यही रहे। पंकज जी ने पहले ही शब्द में ख़त्म किया कि पूरे ज़िले में ऐसा फैक्ट्री नहीं बना, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और सबसे बड़ी बात है सबसे कम समय में उन्होंने ये फैक्ट्री तैयार किया है। जमीर भाई को बधाई और टीम को भी बधाई, बहुत फैक्ट्री बहुत एक नंबर बनी है। अंजन गांव में जो आज इकरा जिनिंग का जमीर भाई ने आज उद्घाटन किए, और ऐसी जिनिंग देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरे ज़िले में इस टाइप की जिनिंग किसी की बनी होंगी करके, और उनको ये जिनिंग की ओपनिंग की बहुत बहुत बधाई। आज इकरा जिनिंग प्रेसिंग अंजन गाँव सुरजी यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगी, और ये ओपनिंग सेरेमनी में अंजन गांव के तमाम चाहने वाले उनके आज यहाँ से पहुँचे, जमीर भाई, सादिक भाई और जमीर भाई, ऐसे तीनों पार्टनर है, और यहाँ पे आने वाले उनको तमाम लोगों ने मुबारकबाद दी, और इनको तहे दिल से मुबारकबाद दी, और इसके आगे भी इनका कारखाना अच्छे से चले। हमारी अल्लाह ताला से ये मतलब दुआ है कि भाई इनको अल्लाह ताला खूब कामयाबी अता करे, तरक्की अता करे, और ये जो इन्होंने जो भी सोच से ये यूनिट चालू किया है, अल्लाह ताला इनके गुमान के मुताबिक इनको तरक्की अता फरमाए, ऐसी हम सब लोगों की दुआएं हैं। जमीर भाई मेरे मित्र है कई सालों से, उन्होंने आज इकरा जिनिंग प्रेसिंग अंजन गाँव में चालू किया है, उनके साथ में सादिक भाई है, जमील भाई है, इन्होंने बहुत अच्छा यूनिट लगाया है। मेरे हिसाब से मलकापुर, खामगांव, बारसी टाकली, अमरावती, ये 4-5 जिलों में ये सबसे अच्छा यूनिट है। और कास्तकार आमच्या हातावर येतात, 550 कास्तकार इकडचे एरियाचे आणि खामगाव मोताळा साइडचे ही आहे, त्यांना भाव चांगला मिळते, चांगल्या पद्धतीने माल खाली होऊन जातो इथं, आणि अशा हिशोबाने सर्व मालाचं विक्री अंजनात जास्त होते। माझं काम हेच आहे, सर्व कास्तकारांशी संपर्क करून मी यांना माल देतो जिनिंगवाल्यांना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से इकरा जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री का ओपनिंग हुआ है आज। हमारी यही इच्छा है इस फैक्ट्री के तहत कास्तकारों की सहायता करेंगे और उन्हें सही रेट मिले, ये कास्तकारों की डिमांड है। इकरा जिनिंग का ओपनिंग किया गया है आज, इसलिए कास्तकारों की ओपनिंग की डिमांड थी, जिसमें आज 2 से 3 हजार कास्तकार मौजूद रहे। आज कपास की मुहूर्त भी की गई है, पहले ही दिन मुहूर्त पर 250 से 300 गाड़ी आई है। इस उत्सव को देखते हुए कास्तकारों ने खुशी छाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे इकरा जिनिंग का ओपनिंग हुआ है। ओपनिंग का उद्देश्य ये है कि हम कास्तकार भाइयों के फायदे के लिए काम करेंगे, उन्हें अच्छे से अच्छे रेट देंगे, और जो भी मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इस ओपनिंग में 2 से 3 हजार कास्तकार मौजूद थे, उसमें कुछ व्यापारी भी थे। पहले मुहूर्त के हमारे ओपनिंग के दिन 200 से 250 गाड़ी आई हुई है। साजिद सौदागर, झूमा न्यूज, अमरावती।